मध्य प्रदेश में जल्द ही 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं उपचुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इन दिनों अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिल्ली से हाल ही में लौटे कमलनाथ ने एक के बाद एक कोर ग्रुप के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है। नजारा है कि इन कमराबंद बैठकों में कमलनाथ स्थानीय नेताओं से चर्चा कर बढ़ती महंगाई, किसानों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को किस तरह से चुनावों में भुनाया जाए, इसकी रणनीति तैयार करेंगे। वहीं राजनीतिक हलकों में इस तरह की भी सुगबुगाहट है कि कमलनाथ एक बार फिर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जिसके लिए वे हाईकमान को दिल्ली में भरोसा भी दिलाकर आए हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कमलनाथ की प्रदेश वापसी इस बात को पुख्ता कर रही है कि कमलनाथ केंद्र ना जाकर अपनी बची हुई राजनीति मध्य प्रदेश में ही करेंगे।